ये सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द म्युनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड, यहाँ टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ बिल्ड की जगह पे बिल्ट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, आई होप यू मस्ट हैव, मस्ट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सभी थर्ड फॉर्म है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा बाई नाउ अब तक, दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन, करेक्ट कंजंक्शन आपको भरना है, करेक्ट कंजंक्शन आपका कौन सा होगा? करेक्ट कंजंक्शन आपका होगा सिंस द बॉय वॉज बीटन बैडली, जब से लड़का मारा गया है बुरी तरह से, ही लेफ्ट हिज इंस्टीट्यूट, उसने अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर है, मिस लिन स्पीक्स, क्या स्पीक्स? चाइनीज़, तो चाइनीज़ के पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि जब किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल रख दिया जाता है तो भाषा ना होकर के वहाँ के लोग बन जाते हैं, जैसे चाइनीज़ चाइनीज़ भाषा हो गई, द चाइनीज़ चाइनीज़ लोग हो गए, फ्रेंच माने फ्रेंच भाषा, द फ्रेंच माने फ्रांस के लोग, जर्मन माने जर्मन भाषा, द जर्मन मतलब जर्मन के लोग। अगला देखते हैं, तो यहाँ नो आर्टिकल हो गया। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ लैंड मी अ फ्यू रुपीज़ जो लिखा हुआ है, तो फ्यू को यहाँ ए फ्यू में बदलना पड़ेगा, लैंड मी अ फ्यू रुपीज़, क्योंकि फ्यू माने होता है ना के बराबर, इतना कम कि ना के बराबर, तो ए फ्यू मतलब काम भर का। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चूज़ द वर्ड फ्रॉम द चॉइस, अलाउइंग द पासिस ऑफ रेज ऑफ लाइट, लाइट जब एक तरफ से दूसरी ओर अगर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट है वो, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में देखते हैं, कह रहे हैं चेंज द वॉइस में, ही विल डू द वर्क, ही विल डू द वर्क बाई टू, ही विल डू द वर्क टुमारो, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट में फ्यूचर कॉन्टिन्यू, शैल बी विल बी वर्क की थर्ड फॉर्म, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का एंटोनिम हिस्टीरिया, एक प्रकार की बीमारी होती है, तो बीमारी का हो जाएगा सीरेनिटी, यानी कि स्वस्थ। स्वस्थ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्ज्यूर, ऑब्ज्यूर का मतलब क्या होता है? ऑब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना छोड़ देना, तो त्याग देना छोड़ देना का मतलब आपका हो जाएगा रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब छोड़ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, तो मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में हमेशा ऑन लगाना है, जब कभी भी किसी चीज़ को बधाई दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑन या कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंस द करेक्ट वर्ब, तो करेक्ट वर्ब आपको ढूंढनी है, अब्दुल वांट्स टू बिकम, तो वांट्स टू बी ए डॉक्टर, अब्दुल बनना चाहता है क्या? डॉक्टर बनना चाहता है, वांट्स हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आई गेव हिम ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा आई गेव द पैकेट टू टॉम, मैंने टॉम को पैकेट दिया, हु केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम, तो पामेला हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर हमारे सेट के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए सेट का सेट करेंगे, कॉमा हटती दैट लगाएंगे, आई माई मी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, पामेला शी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट, हैड गेव लिखा हुआ है, सॉरी गेव के साथ तो नहीं आएगा भाई हैड, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, पामेला सेड, ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट के सेट कॉमा हटती दैट, आई माई मी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो गया, पामेला शी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट पर हैड गिवन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 12 का। अब हम आते हैं 13 में, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है? करेक्ट आपका ओमिशन है, OMISSION, ओमिशन, ओमिशन माने हटाना होता है, मिटाना होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपने शायद पढ़ा हो, तो ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता, कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो ओमिट करना, OMIT, ओमिट वर्ब है, ओमिशन OMISSION, बाकी ये सारी स्पेलिंग गलत हैं। अब नंबर 14 पे आते हैं, स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसा स्टाइल जिसमें जो है व्यक्ति अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्ले करता है, बहुत दिखाता है, जिसको पॉम्पस कहते हैं, दिखावा करना, पॉम्पस, पॉम्पस माने दिखावा करना। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 15 में, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भरना है, अभी कल के वीडियो मैंने बताया था ब्लड रिलेशन होगा तो एल्डर होगा, ओल्डेस्ट क्यों नहीं होगा? पहली चीज़ तो ये हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आती है सिस्टर, ब्लड रिलेशन में आती है, सॉरी ब्लड रिलेशन वालों के साथ में ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट नहीं लगेगा, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट लगता है, फादर लग नहीं सकता, ओल्डर भी हमारा हमने बताया ब्लड रिलेशन होने की स्थिति में सिस्टर के साथ में ब्लड रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर एल्डर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन. तो ऑल दो माई फादर, ऑल दो या दो के साथ में जब नया सेंटेंस जोड़ते हैं तो केवल येट या कॉमा से जोड़ता है, या तो येट से या तो कॉमा से. तो यहाँ पर इन्होंने जो है ऑल दो जो लगा रखा है, इस ऑल दो की वजह से यहाँ दूसरा सेंटेंस जो ये स्टार्ट हुआ है वो येट से जुड़ेगा. तो सही जवाब है सी ऑप्शन. अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं. मैंस गिव द प्लूरल, प्लूरल आपको बताना है. तो वो कंपाउंड वर्ड जिनका प्लूरल मैन या वूमन लगा के बनता है, मैन या वूमन वाले कंपाउंड वर्ड का प्लूरल दोनों पक्षों में प्लूरल बना के बनता है. तो मैन का प्लूरल मैन, सर्वेंट का सर्वेंट. तो मैन सर्वेंट्स कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में. तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी. तो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स. जैसे मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर्स. वुमन टीचर, वेमेन टीचर्स. अगला क्वेश्चन नंबर 20. इन स्प्रिंग पोलर बियर मदर इमर्ज फ्रॉम डेंस. बसंत ऋतु में पोलर बियर जो होती है, वो जो माएँ होती हैं पोलर बियर, भालू जो होते हैं, वो अपने अपनी गुफाओं से निकल करके बाहर आते हैं विथ 3 months ओल्ड कब, अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर के. यानी 3 महीने का बच्चा आता है, निकल करके वो बाहर आती है अपने गुफाओं से स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में. यानी बच्चा कब हुआ होगा? 3 महीने पहले हुआ होगा. स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु यानी मार्च. तो बच्चा कब हुआ होगा? दिसंबर में. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने. द मदर बियर हैड फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 months. मदर बियर ने काफ़ी लंबा उपवास रखा था इस दौरान जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी. 8 महीने तक उन्होंने अब कुछ नहीं खाया था. बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ भी था नहीं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनको उनकी डिमांड पूरी करने के लिए उनके पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स था. इफ़ देयर आर ट्रिपल्ट, अगर 3 बच्चे होते. ट्रिपलेट का मतलब हो गया 3, यानी कि अगर 3 होते. द मोस्ट परसिस्टेंट स्टैंड टू गेन एन एक्स्ट्रा मील एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. तो उनको एक्स्ट्रा मील की एक्सपेंस करने की आवश्यकता होती. द स्मॉलेस्ट ऑफ द कप फॉरफिट्स मैनी मील टू स्ट्रॉन्ग सिबलिंग, स्ट्रॉन्गर सिबलिंग. द स्मॉलेस्ट ऑफ द कप, जो सबसे छोटा वाला जो बच्चा है, फॉरफिट्स मैनी मील्स टू स्ट्रॉन्गर सिबलिंग. तो अपने जो भाई लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा मील खाता, उसका भोजन ज़्यादा होता. फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ दियर कब, फीमेल्स जो है अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं कि उनके बच्चे को कहीं कुछ होना जाए. फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ दियर कब्स बट टेंड टू इग्नोर फीमेल्स रिवलरी ओवर फ्लड, राइवलरी ओवर फ्लड. इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स जो है अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं. टू इग्नोर फैमिली राइवलरी ओवर फूड, फूड को लेकर के वो फैमिली की जो राइवलरी होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है, लड़ाई झगड़ा जो होता है, उसको वो इग्नोर नहीं करती हैं. इन 21 ईयर्स ऑफ द फोटोग्राफिंग पोलर बियर आई हैव ओनली वन सीन दैट स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रिपलेट्स सर्वाइव टिल एटम. मैंने अपने, लेखक कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में जब तक इनकी फ़ोटो खींची है अपने कैमरे से, जब तक मैंने पोलर बियर की फ़ोटो खींची है, आई हैव वन सीन, केवल एक बार मैंने देखा द स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रिपलेट्स, कि 3 छोटे छोटे बच्चे एक साथ जो है सर्वाइव कर पाए टिल एटम, यानी कि बसंत के बाद एटम यानी पतझड़ ऋतु तक. यानी कि जब 3 बच्चे होते हैं तो उनका जो है लंबे समय तक रह पाना, बचपाना, उनमें लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बचपाना बड़ा मुश्किल होता है. अब ये पैसेज था, अब इसका आंसर, आंसर चाहिए. मदर बियर क्या करती है? मदर बियर टेक साइड ओवर कब. मदर बियर जो होती हैं, मदर बियर जो होती हैं वो क्या करती हैं? लेट द कब फेंड फॉर देमसेल्फ. लेट द कब फेंड फॉर देमसेल्फ. फेंड क्या? फीड होना चाहिए. कि वो बच्चों को अपने ढंग से खाने के लिए छोड़ देती हैं कि वो जैसा चाहें वो खाएं. बस ये है कि फैमिली राइवलरी ना हो. और नंबर 20 पे आते हैं. विद द रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. इसमें से कौन सा कथन, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा सही है? पहला या दूसरा या दोनों या कोई नहीं. पोलर बियर फास्ट एज लॉन्ग एज 8 months ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे. पोलर बियर जो है लगभग 8 महीने तक उपवास रखती हैं जब वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का प्रे, देखिए PREY आया,
द वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज वाले वीडियो में देखिए, प्रे और प्रे मैंने बताया था, पी आर ए वाई प्रे माने होता है प्रार्थना, पी आर ई वाई प्रे माने शिकार। तो उनके पास शिकार नहीं होता है, इसलिए 8 महीने तक लगभग उनको भूखा रहना पड़ता है, फास्ट रहना पड़ता है, फास्ट माने व्रत होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, तो पोलर बियर ऑलवेज गिव बर्थ और टू ट्रिपलेट, पोलर बियर हमेशा 3 के जोड़े में यानी 3 3 बच्चे देती है। नहीं, ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब खाली पहला सही है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ऑप्शन ओनली वन। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें एयरफोर्स से रिलेटेड हमने इन इंग्लिश के पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए आपके इंतज़ार करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो लगभग लगभग हर दूसरे दिन में, हर अगले दिन में एक वीडियो बना करके आपके लिए डालता हूँ। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।